वीडियो को करते हैं शुरू गाइज यहाँ पर आप सबको क्लियरली दिख रहा है जी हाँ और जिसे इंग्लिश में कहते हैं सर्कल ठीक है तो मैंने यहाँ पर परिभाषा क्या लिखा रखा है बहुत ही आसानी से आप समझिए कि बहुत सारे बिंदुओं को मिलने पर बना एक गोलाकार आकृति ब्रीत कहलाता है भाई साहब यहाँ पर देखिए बहुत सारे बिंदु है। अब यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये ऐसे बन गया इसका मतलब इसमें बिंदु नहीं है नहीं मेरे प्यारे साथी हो ऐसे 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 बहुत सारे बिंदु मिलकर ये हमारा एक तैयार हुआ है और यही गोल आकृति हमारा क्या है ब्रीत होता है क्या आपको ब्रीत के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुआ गाइज आपको इतना ख्याल रखना है कि जब बिंदु बहुत सारे मिलेंगे तो वो गोलाकार आकृति बनेगा ही बनेगा और बनेगा कैसे यार गोलाकार कैसे बनेगा हम ऐसे चाहेंगे तो ऐसे ऐसे हम सीधा भी ले जा सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जब भी गोलाकार आकृति बनेगा वो हमारा क्या कहलाता है ब्रीथ ठीक है तो ये बात आपको क्लियर रहा होगा और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ये ब्रीथ है और ये ये जो गोला गोला ये जो दिख रहा है ना ये वाला जो पीला पीला जो दिख रहा है इसको हम परिधि कहते हैं ठीक है ये पूरा क्या है हमारा ब्रीथ है लेकिन ये जो रेखा ऐसे ऐसे गया है ना ये हमारा परिधि है ठीक है और ये बीच वाला हमारा क्या है केंद्र है एकदम बढ़िया से आपको आ रहा होगा ये बीच वाला केंद्र है और यह परिधि है ठीक है और यहां से यहाँ जो रेखा टच हुआ ना या यहाँ टच कर सकते हैं या कहीं भी आप टच कर सकते हैं तो मैंने एक यहाँ पर टच किया और ये हमारा क्या हो गया त्रिज्या जी हाँ साथियों ये हमारा क्या हो गया त्रिज्या अगर मान लेते हैं आपको इस तरह से अगर कहीं पर खिंचा जाता है ऐसे तो ये हमारा क्या हो गया ये हमारा हो गया जीवा जी हाँ साथियों ये हमारा हो गया जीवा आप ऐसे भी ले सकते हैं जीवा आप इतना भी ऐसे ले सकते हैं इस तरह से हमारा क्या हो गया जीवा और गाइस ऐसे ऐसे जो जाएगा ना बिंदु के टच करते हुए तो ये हमारा पूरा के पूरा ये जो रेखा है ना ये रेखा हमारा व्यास हो जाएगा तो आप ये सब समझ सकते हैं तो गजाज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में यहाँ तक जानकारी में अगर आपको कोई भी चीज़ दिक्कत लगा हो तो नीचे ज़रूर लिखिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में